हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल कुकिंग विद इंदु में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज चैनल को लाइक करना ना भूलिए। आज मैं बना रही हूँ पानी पूरी। सुन के मुंह में पानी आ गया ना। इस वक्त हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे और पानी पूरी को तो हर कोई मिस कर रहा है। तो बहुत ही आसान तरीके से तीन तरह के चटपटे तीखे और वाले पानी बनाना आज आपको सिखाऊंगी। बहुत ही इजी है, इंग्रेडिएंट सारे आपके किचन में रहेंगे। तो चलिए पहले हम बनाएंगे ग्रीन चटनी। उसके लिए मैंने लिया है पुदीना, धनिया, मिर्ची और अदरक। तो मिर्ची थोड़ा ज्यादा लीजिए क्योंकि ये थोड़ा चटनी तीखा होना चाहिए। तो चटनी हम रेडी कर देंगे। फिर मैंने यहाँ पर लिया है ये उबले हुए मूंग। आप चाहे तो पीली मटर ले सकते हैं, काला चना ले सकते हैं। इसे उबालते वक्त मैंने इसमें नमक डाल दिया था और हल्दी डाल दिया था। तो आप उबालते वक्त इसमें नमक हल्दी डाल देंगे तो आपको बाद में फिर नमक डालने की जरूरत नहीं। तो मैं इसको थोड़ा और कुछ ट्विस्ट दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी उबले हुए आलू। आप चाहे तो सिर्फ आलू का भी स्टफिंग बना सकते हैं। तो इसे मैं हल्का सा फ्लेवर दूंगी। तो इसमें मैं मिलाऊंगी जो हमने मसाले लिए हैं आपके किचन में रहेंगे। यहाँ पर मैंने डाला थोड़ा सा, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा डाल दिया है जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा है। साथ में इसमें हल्का सा मैं डालूंगी आमचूर पाउडर जिससे थोड़ा खट्टापन का फ्लेवर आ जाएगा। तो मैं इसे अच्छी तरह मिला लूंगी। नमक मैंने इसमें डाला था इसीलिए मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया है। तो देखिए ये हमारी चटपटी पानी पूरी की स्टफिंग रेडी है। पानी पूरी देख के तो सच में मुंह में पानी आ जाता है। देखिए अब मैं यहाँ पर जो बनाऊंगी नॉर्मल जो तीखा पानी होता है जो हम मार्केट में खाते हैं, ग्रीन कलर का रहता है, तो आज मैं वो पानी बनाऊंगी। तो उसके लिए पहले मैंने हरी चटनी और मीठी चटनी रेडी रखी थी। तो देखिए वो मैंने हरी चटनी जो बनाई थी धनिया पुदीने की, ये वही है। इसका तीखा थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि हमें पानी अपने अकॉर्डिंग बनाना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये 1.5 चम्मच तक ले लिया है। मैं छोटे ग्लास में थोड़ा पानी बना रही हूँ, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लीजिए। तो यहाँ मैंने मीठी चटनी ली है। मीठी चटनी में मैंने इमली डाली थी इसलिए मैं इसमें रॉ इमली नहीं डालूंगी। तो देखिए अब मैं इसमें डालूंगी ये नमक। नमक मैंने यहाँ नॉर्मल नमक और काला नमक दोनों को मिक्स करके रखा है तो वो डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा है, उसमें हल्का काली मिरी भी मिला दिया है। साथ में डाला है आधा चम्मच धनिया पाउडर। ये फ्रेश धनिया आप रोस्ट करके जब बनाएंगे ना तो उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया होता है। इसमें मैंने डाल दिया है पानी। अब इसे अच्छी तरह मिला लूंगी। इसमें और कोई भी चीज डालने की जरूरत नहीं है, सच मानिए। एक बार इसे बना के देखिए, अगर आपको तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। और देखिए ऊपर से मैंने डाल दिया इसमें चाट मसाला। आप चाहे तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं। चाट मसाले में हींग होता है इसलिए मैंने यहाँ पर हींग नहीं डाला है। तो देखिए ये हमारे चटकारे वाली पानी रेडी है। तो कैसी लग रही है, देखिए दिखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और इसे सजा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया है बूंदी। तो बूंदी आप बाहर मार्केट में जाते हैं तो आपको बूंदी डाल के ही मिलती है। तो अब मैं बनाऊंगी दूसरा पानी। तो दूसरे पानी के लिए जो नॉर्मल आप देखेंगे मार्केट में लाल कलर की पानी मिलती है, आजकल बहुत वैरायटी की होती है, तो मैंने यहाँ पर उसे ध्यान में रख के बनाया है। तो देखिए लाल पानी बनाने के लिए मैं इसमें जो मैंने ये चटनी रेडी रखी है उसी का पहले यूज करूंगी। तो यहाँ पर मैं देखिए डालूंगी ये तीखी वाली चटनी। आप चटनी इस तरह रेडी कीजिए, जो पानी आपको बनाना है फटाफट बना के अपने हर एक मेंबर को अलग अलग सर्व कर सकते हैं। साथ में थोड़ी सी मीठी चटनी, मीठी चटनी थोड़ी ही ली थी। अब मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। ये कसूरी लाल मिर्च है, इससे बिल्कुल वही लाल फ्लेवर आएगा और लाल कलर आएगा। और ये मैंने डाल दिया है जो नमक, साथ में थोड़ा सा जीरा पाउडर। यहाँ पर मैं धनिया पाउडर नहीं डालूंगी। और डाल दिया है ये मैंने चाट मसाला, और चाट मसाले में थोड़ा सा मैंने आमचूर पाउडर भी मिक्स किया था, और साथ में थोड़ी सी हींग क्योंकि इस पानी में थोड़ा सा हींग का फ्लेवर उभर के आता है। तो देखिए इसमें मैंने पानी भी डाल दिया। तो हो गई हमारी ये दूसरी पानी भी तैयार, पानी पूरी खाने के लिए।
तो देख सकते हैं आप इसका कलर कितना बढ़िया आया है। तो देखिए झटपट तैयार हो गई, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब चलते हैं तीसरे पानी की ओर। पहले मैं इसे एक बार बूंदी से भी सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए बन गया ना कितना बढ़िया। चलिए अब तीसरा पानी जो मैं तैयार करूंगी वो है लहसुनी पानी, यानी लहसुन का पानी। तो इसके लिए मैंने 6-7 लहसुन को देखिए इस तरह बारीक बारीक ग्रेट करके ले लिया है। मैं आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप जैन हैं या आप लहसुन नहीं खाते तो ये पानी को अवॉइड कीजिए, बाकी पानी आप जो मैंने बनाया है वो बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लहसुन डाल दिया है, फिर वही हरी चटनी, थोड़ी सी लाल चटनी। अब मैंने यहाँ पर देखिए ये भिगोई हुई इमली रखी थी, तो इसमें थोड़ा सा खट्टापन इसका ना ज्यादा रहता है, इसलिए मैंने ये भिगोई हुई इमली का पानी डाल दिया है। साथ में वही नमक, काला नमक और नॉर्मल जो नमक होता है उसे मैंने मिक्स करके रखा था। यहाँ पर लिया है छोटा चम्मच जीरा पाउडर, जीरा पाउडर में काली मिरी मिक्स है, और यहाँ पर लिया है आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। थोड़ी सी हींग, इसको भी मैं थोड़ा हींग का फ्लेवर दे रही हूँ, ताकि हींग के फ्लेवर से जो लहसुन का फ्लेवर है ना वो बैलेंस हो जाता है। और अब मैं डाल दिया है इसमें पानी। तो देखिए ये भी मेरी पानी पूरी का पानी सच में रेडी हो गया है। अब मैं इसे बना रही हूँ, इतना मन कर रहा है कि मैं कब इसे खाऊं। देखिए झटपट ये भी पानी रेडी हो गया। अब मैं इसे भी बूंदी से सजा लूंगी। है ना बहुत इजी और क्विक रेसिपी। तो एक 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 टाइप की पानी पूरी का पानी आप खा के बोर हो गए तो इस तरह अलग अलग टाइप के बनाइए। आप मौसम्बी जूस से बना सकते हैं, नींबू से बना सकते हैं, आप सिर्फ हींग का पानी बना सकते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद है आप वैसे बना सकते हैं। या फिर आप जो ये मीठी चटनी है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर पानी आपका खट्टा मीठा और तीखा है तो आपको मीठी चटनी की जरूरत नहीं। तो देखिए अब तो मुझे लग रहा है कि मैं पानी पूरी भी आपको बना के दिखाई देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है ये पूरियां। तो ये पूरी बाहर की है रेडीमेड और ये मैंने घर पे बनाई है। आपको दोनों में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता होगा क्योंकि ये बिल्कुल बाजार की तरह घर पे मैंने बनाई है, बस साइज में फर्क है। और सच मानिए जैसी बाहर की क्रिस्पी होती है ना बिल्कुल वैसी है। तो इसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी। तो चलिए अब मैं देखिए ये घर की पूरी से ही पानी पूरी बनाती हूँ। ये डाला मैंने स्टफिंग। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये तीखी वाली हरी चटनी वाला पानी। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे क्वांटिटी में बनाई है, ग्लास लिया है, इससे थोड़ा डालने में प्रॉब्लम हो रहा है। आप एक बड़े से बर्तन में मस्त पानी बनाइए, फैमिली के साथ बैठ के पानी पूरी को एंजॉय कीजिए। अब तो मैं सोचती हूँ खा ही लूँ। परफेक्ट, एकदम बढ़िया। वो खट्टा मीठा टेस्ट और तीखा तो एकदम परफेक्ट है, सच में बहुत बहुत। तो किस बात का वेट कर रहे हैं, आप भी इसे बना के खाइए और चटकारे वाले पानी का मजा लीजिए। तो कैसे बनी ये मेरी पानी पूरी की रेसिपी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें एक एक बर्फ का पीस भी डाल दिया है, इससे ये बन गई कोल्ड पानी पूरी। तो कैसी लगी, जो चाहे आप उसमें कुछ भी थोड़ा सा चेंजेस करके अपने तरह से एक नया पानी बना सकते हैं। अगर आपने भी घर पे कुछ इस तरह ट्राई किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो मिलती हूँ आपको कोई अच्छी और मजेदार रेसिपी के साथ। तो कैसी लगी ये, बाय बाय।